परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज बच्चों आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं साझा कर रहा हूँ। यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय की 2020-21 बैच की छात्रा रोमिया शंकर का MBBS के लिए सिक्किम सीट पर चयन हो गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार सी तालियों के साथ और मैं आप सबको ये बात साझा करना चाहूंगा कि रोमिया शंकर हमारे यहाँ 11वीं और 12वीं की विद्यार्थी रही थी और हमारे PGT बायोलॉजी श्री गोपाल पांडे सर उनके मार्गदर्शक रहे और रोमिया शंकर ने यह दूसरे प्रयास में उपलब्धि हासिल की। अब देखिए नीट JEE जैसी ये जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में देश विदेश से और लाखों बच्चे प्रतिवर्ष परीक्षा के लिए बैठते हैं और उन सभी विद्यार्थियों की वो परीक्षा जो होती है उस परीक्षा में उनकी योग्यता के अनुसार उनकी चयन सूची बनती है और उस चयन सूची के अनुसार ही उन्हें मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट जो मेडिकल कोर्सेज या इंजीनियरिंग कोर्सेज अलॉट होते हैं और ये अपने आप में बहुत बहुत और प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, तो इसमें चयन होना और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अवसर मिलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा रोमिया शंकर उनका चयन हुआ है और आज जो प्रेम डोमा ने जो गाना गाया है उसी तरह से हमने कभी रोमिया शंकर को भी गाते हुए सुना। उसने यही विद्यालय में भी कई बार मॉर्निंग असेंबली के दौरान बहुत अच्छे गीत भी गाए और उसने नेशनल बालरंग फेस्टिवल के दौरान जो हमारे विद्यालय ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी 2019 में राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भी वो प्रतिभागी रही। बहुत अच्छा डांस उसने, नेपाली डांस की टीम थी उसमें वो सदस्य रही थी। तो यूं कहें कि हमारा नवोदय विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमारा विद्यार्थी अपने गीत संगीत कला इन सभी के साथ अपने आप को तराशता है, आगे बढ़ा रहा है और ये सभी उपलब्धियां विद्यार्थी की मेहनत तो है ही पर विद्यालय का योगदान भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उनके मार्गदर्शन का भी योगदान महत्वपूर्ण है। मैं श्री गोपाल पांडे सर को और हमारे साइंस स्ट्रीम के सभी शिक्षक साथियों को और उनके साथ साथ समस्त विद्यालय परिवार को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।